वार्निंग मुंबई, ऐसी आवाज तो आपने लगे रहो मुन्ना भाई इस मूवी में सुनी ही होगी। तब से हमें पता है कि ये गुड मॉर्निंग रेडियो के द्वारा आरजे करते हैं। हमारे चैट कॉर्नर में हमारे साथ जुड़ी है ऐसी एक व्यक्ति जो कि पिछले कई सालों से रेडियो इंडस्ट्री में काम कर रही है। दिल्ली से लेके गली तक की हर एक जानकारी वो अपने सुरेली आवाज से देती है। बड़े ही पैशनेट, क्रिएटिव और समाज के हर एक अंग को समझकर समाज के लिए हमेशा खड़ी रहने वाली एक एक्टर, मॉडल और आरजे अर्चना पानिया। वेलकम दीदी। मैं सलामम्मे फाउंडेशन मीडिया एकेडमी की स्टूडेंट मीनाक्षी जामचंदेकर और मेरी कलीग उन्नति राठौड़ आपके साथ आज बातचीत करने वाले हैं। आपने आपके साथ बातचीत करने का मौका दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच दीदी। आज हमें आपसे आपके बारे में और रेडियो इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी सुननी है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। थैंक यू मीनाक्षी, इसे पहले कि आप कुछ भी पूछें, आपने बहुत अच्छा परिचय दिया। तो आपसे हमें ये जानना है, आपने आरजे बनना क्यों पसंद किया? फ्रेंकली मुझे लगता है ये इंडस्ट्री ने मुझे चुना, मैंने इस इंडस्ट्री को नहीं चुना। फ्रेंकली मैं बता रही हूँ, मुझे कभी भी आरजे बनने का बुखार या खुमार नहीं था। बट मेरे अंदर एक थी, एक खुमार था कि सबको जानना है, सबसे कनेक्शन रखना है। तो क्लासरूम में अगर तो मुझे पता था कि कहीं ना कहीं मुझे पीपल कनेक्ट बहुत पसंद था। फिर जब मैं पेंटिंग कर रही थी तो मेरी टीचर, जो अब मेरी बहुत अच्छी सहेली है, उन्होंने कहा कि तुम बहुत बड़ा मिस्टेक कर रही हो, तुम तो बातें करने के लिए पैदा हुई हो, तुम रेडियो जाके ऑडिशन करो। और चलिए, उसने लिटरली मुझे ना ऐसे चौंका के पुश किया एंड आई जस्ट वेंट फॉर इट। मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ, बट आई डिड रियलाइज जब मैंने ऑडिशन दिया कि मुझे लोग बहुत पसंद है और वहाँ पे इतनी इंटरेस्टिंग लोग मुझे मिले, फैशन डिजाइनर, मेकअप आर्टिस्ट, कुछ गे लेस्बियन लोग थे, तो उनको देखते मुझे लगा वाओ, ये तो अलग ही दुनिया है, ये कौन है ये लोग। बट कुछ चीजें आपकी किस्मत में होती है और शायद रेडियो जॉकिंग मेरे किस्मत में था और उसने मुझे बार बार चुना। सो आई थिंक रेडियो चोज मी, आई डिडंट चूज यू। एक ही क्षेत्र में इतने साल काम करना आज के तौर पर बहुत बड़ी बात है। आप इतने सालों से इस क्षेत्र का हिस्सा है, ऐसे कौन से कारण है जो आपको इस क्षेत्र में अब तक बने रहने के लिए प्रेरित करते हैं? अरे मीनाक्षी, एक कारण हो तो बताओ, उसने मुझे सब कुछ दिया है। मतलब रेडियो से मेरी पहचान, कमिश्नर ऑफ पुलिस से लेके, प्राइम मिनिस्टर से लेके, मतलब आप कोई भी इंसान का नाम लो, तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है मेरे हिसाब से जो था, है और हमेशा रहेगा। आपके लिए एक समा बांधने वाला, आपके शहर की आवाज बनकर एक आरजे ही होता है, और साथ में आपको इतने अच्छे अच्छे कलाकारों से मिलने का मौका मिलता है। सबसे जब आपको मिलने का मौका मिले और उनकी लाइफ को लोगों के सामने लाने का मौका मिले, मुझे नहीं लगता इससे कुछ बेटर हो सकता है। इट्स अ वेरी 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 बैलेंस्ड एंड ब्यूटिफुली कनेक्टेड मीडियम, और एक शहर की आवाज बनने से ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है अगर आपको आवाज की दुनिया से प्यार। मेरा नाम उन्नति राठौड़ है और मैं सलाम बॉम्बे फाउंडेशन मीडिया एकेडमी की स्टूडेंट हूँ, और आज आपसे बात करने का मौका मिला तो मैं आज आपसे बात करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश भी हूँ। तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एक सफल आरजे बनने के लिए, अपना नाम इस क्षेत्र में बनाने के लिए, एक पर्सन में क्या स्किल्स होने जरूरी है? सबसे जरूरी तो जो स्पष्ट बोलना, क्योंकि अगर आप रेडियो पे बात करोगे और इंसान जो आपको सुन रहा है, जो देख भी नहीं सकता है, उसको समझ भी नहीं आया आपने क्या बोला, तो फिर गड़बड़ है। There's another saying in English, content is king. अगर आप जो बोल रहे हो उसमें दम है ना, फिर आपकी आवाज लता दीदी वाली हो, रानी मुखर्जी वाली हो, मतलब किसी की भी, इट डज नॉट मैटर। आई फील कि इस आवाज, सो कॉल आवाज की दुनिया में आवाज का इतना जोर नहीं है जितना आप क्या बोल रहे हो उसका जोर। इसके लिए मुझे लगता है पांच चीजें बहुत जरूरी है। एक ये कि आपके अंदर एंथुजियाज्म, कि आप हर टाइम, आपके अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए कि आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहते हो, तो एक एंथुजियाज्म वाली एनर्जी। टू,
एक स्टोरी टेलर वाली एनर्जी कि आपको कैसे एक कहानी बतानी है दो मिनट इसलिए क्योंकि जब जब हम रेडियो पे बोलते हैं तो हमें बोला जाता है, वैसे तो 40 सेकंड से ज्यादा किसी का ध्यान आप पे टिका नहीं रहेगा, पर अगर आप वो इंटरेस्टिंगली स्टोरी बांध रहे हो तो जरूर सुन। नंबर 3, आपको जितना हो सके इंसानों के साथ और हर लेवल के इंसान के साथ, चाहे वो आपके घर पे जो काम कर रहे हैं वो हो, चाहे वो आपके गेट कीपर मतलब जो आपके सिक्योरिटी गार्ड हो वो हो, चाहे जैसे मैंने आपको कहा प्रधानमंत्री हो, हर लेवल के इंसान के साथ आपको एक कनेक्ट होना जरूरी है, क्योंकि ये कनेक्ट आपको कब रेडियो पे बोलना पड़े और समझ कर उसके बारे में स्टोरी बोलनी पड़े आप नहीं जानते। एंड इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ रेडियो एक 24/7 जॉब है, क्योंकि जब जब आप किसी से बात करते हो, जब जब वो आपसे कुछ कहते हैं, तब आपको ऐसे टंग सर में से चमकेगा कि अरे ये तो रेडियो पे बोलना चाहिए, यू नो ये जो इसने अभी कहा। सो 3 इज योर कनेक्ट विद हर सोशो इकोनॉमिक स्ट्राटा के हर एक इंसान के साथ आपका एक जुड़ाव है ना। 4th चीज सबसे जरूरी कि इंसान किस चीज में इंटरेस्ट रख रहा है। जैसे अभी अगर मैं देखूँ तो बहुत लोग सोशल मीडिया पे इतने बिजी रहते हैं, तो सोशल मीडिया पे जो लोग मचा रहे हैं, कहर मचा रहे हैं, या यू नो जो मचा रहे हैं, इन लोगों के साथ बातें करना, इन लोगों का इंटरव्यू करना, इन लोगों को उनके फैंस के साथ मिलाना, ये मेरा काम है। पर अगर मैं ही नहीं जानूंगी ये कौन है, तो फिर शायद मैं उन तक पहुंचते पहुंचते बहुत लेट हो जाऊँ। तो एक कनेक्ट रखना कि आपके लिसनर को क्या चाहिए, है ना। और 5th बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे हिसाब से आरजे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो है सेंस ऑफ ह्यूमर। तो हर चीज को आपको बहुत मजे से देखो और उसको प्रेजेंट करो। तो ह्यूमर मेरे हिसाब से तो हर 5 पॉइंट में आनी ही चाहिए। हमारे स्कूल कॉलेजेस और कई ऑफिसेस को तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, सब जगह सब बंद हुआ है, तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस महामारी ने रेडियो इंडस्ट्री को कैसे प्रभावित किया है। तो आई थिंक रेडियो का सबसे बड़ा काम था एंटरटेन करना और लोगों के अंदर वो ठहराव लाना। इनफैक्ट इंटरेस्टिंग आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि इस लॉकडाउन में रिसर्च ने कहा कि 86% भारत की जो जनसंख्या है वो रेडियो सुन रही थी। ये सब घर के अंदर लॉकडाउन थे तो उनको पता नहीं था क्या सब हो रहा है, तो रेडियो उनके लिए एक लोकल मीडियम था जो बता रहा था कि क्या क्या हो रहा है, कौन से एरिया में कैसे। जैसे हम सभी जानते हैं कि आप एक आरजे है और रेडियो के थ्रू न्यूज और एंटरटेनमेंट करती है, तो आरजे होने के साथ साथ आप एक प्रोफेशनल इंटरव्यूअर भी है और आप बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू ले चुके हैं। तो कोई भी फील्ड में पहला कदम रखते हैं हम, तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक प्रोफेशनल इंटरव्यूअर बनने के लिए हमें कौन से चैलेंजेस फेस करने होंगे। इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम, चाहे वो अमिताभ बच्चन है या चाहे वो आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए ओ बड़ा एटीट्यूड दिया, स्माइल भी नहीं किया, सेल्फी भी नहीं दी। ये हमारे इश्यूज है, पर्सनल इश्यूज है कि हमको सेल्फी नहीं मिली, हमको लाइक्स नहीं मिली, ये हमारा काम नहीं है। हमारा काम है उनको प्यार से हमें प्यार से पेश आना है, हमें उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हुए उनकी खूब सारी मस्ती और उनके साथ बातें, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोल दिया ह्यूमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप उनको हंसाओगे तो आपके हो ही जाए, आपको हर टाइम रेडी रहना है। और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि सामने वाले का मूड ठीक नहीं है, तो आपको अकॉर्डिंगली ना सवाल थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, बट इंटेंशन इज एवरीथिंग। अगर आप सामने वाले को भाप सकते हो, उसको समझ सकते हो और उसको अकॉर्डिंगली उनके वाइब्रेशन से अपना क्वेश्चन चेंज, क्योंकि आप लिखोगे 1000 क्वेश्चन, बट अगर सामने वाले का वो मूड ही नहीं है तो वो क्या, तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ता है। हर इंटरव्यू में आपको एक पर्सनल झलक लाना बहुत जरूरी है। ये रोजमर्रा की जिंदगी के जो सवाल जवाब होते हैं ना, ये लोग जानना चाहते हैं। प्रिपेयर होना, उनके बारे में रिसर्च रखना और उनके वाइब्रेशंस को समझना, ये एक इंटरव्यूअर का सबसे इम्पोर्टेंट है। मैं जब पहले बार किसी सेलिब्रिटी या फिर कोई बड़ी हस्ती का इंटरव्यू लिया होगा,
तो आपने कैसा महसूस किया था? क्या आप नर्वस हो गई थी, क्या आप कॉन्फिडेंट थी कि नहीं हो जाएगा, मतलब फर्स्ट टाइम में हो जाएगा? नहीं, उन्नति विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि आज भी वो नर्वसनेस है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा ना, वो सामने वाले का क्या मूड होगा आपको कोई आइडिया नहीं होता। तो ये सेलिब्रिटी, ऊंचा नीचा, ये हमारे दिमाग में है, हम सब इंसान है, तो इंसान को इंसान से बात करने में क्या जरूरत। अगर आप ऐसा थोड़ा सोच रखो तो आप उनके साथ नॉर्मल हो सकते। बट हाँ, नर्वसनेस आज भी रहती है। आपका स्टोरी सुन के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, रेडियो जॉकी पे मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी स्पीच ऐसा बोलने का बहुत अच्छा लगता है। तो आपके मुताबिक मुझे अपने कौन से स्किल्स को डेवलप करना चाहिए? और उन्नति, आप भी सरप्राइज रहोगे कि अक्सर आरजे बहुत हुनर रखते हैं। मैंने आज तक ऐसा आरजे नहीं देखा जो एक ही फील्ड में, जैसे आपको बोलचाल की हमारी ये इंडस्ट्री है, तो ऑफकोर्स आपको अपने बोलचाल पर, आपकी भाषा पे, आपकी पावर ऑफ लैंग्वेज जिसे कहते हैं, उसको तो बहुत जोर देना पड़ेगा। पर आई फील कि जब आप पूरी तरह से जिंदगी जियोगे, जैसे अगर आपको सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, राइटिंग, स्केचिंग, जो भी आपकी जो भी इंटरेस्ट, जो भी उस पर आप जितना ध्यान और निखार लाओगे, आप उतने खुश रहोगे। क्रिएटिविटी तब आती है, आपकी पागलपंती तब छाती है, जब आप वो चीजें करें जिसमें आपको रुचि हो, आपका दिल जिसमें हो। तो याद रखना है कि आरजे तब खिलती है जब आप 10 और चीजें करके उसको खिला, क्योंकि आपको लाइफ जीतनी है। अगर आपकी लाइफ में कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप रेडियो पे क्या बोलोगे? जितना आप पढ़ोगे, जितना जानोगे, जितना आप आपकी अवेयरनेस, नॉट जस्ट न्यूज, आई एम टॉकिंग अबाउट इवन बुक्स एंड यू नो जस्ट जनरली बीइंग अ वेल रेड पर्सन, बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे कि आपने बताया कि आप रेडियो इंडस्ट्री तक नहीं गई, रेडियो इंडस्ट्री आपके पास आई है, तो अगर आप इस समय आरजे नहीं होती तो आप कौन सी फील्ड में अपना करियर बनाना पसंद करते? इस महामारी ने रेडियो इंडस्ट्री को कैसे प्रभावित किया? आई लव नॉटंकी इज डेफिनेटली, और टचवुड, अपॉर्चुनिटीज डिसेंटली मिली है। तो आप ऐसा कोई भी इवेंट हमसे शेयर करना चाहेंगी जिसमें कभी कुछ ऐसी बात हुई हो, कभी आपसे गलती हो गई हो, या फिर कुछ ऐसी बात हुई हो जो? ये एक लाइव मीडियम है तो इसमें मिस्टेक का होना लाजमी है, और बहुत आपके अगर सीनियर्स को एक्सपीरियंस है तो वो आपको वो नजरअंदाज भी कर देंगे, ऐसा नहीं है। बट ऑब्वियसली सबसे जरूरी चीज है आपका सतर्क होना भी। तो आप जितना अपना माइंडफुलनेस रखोगे, आपको पता है आप रेडी हो। कभी कभी ना ऐसे होता है, लास्ट मिनट कॉलर आ रहा है, आपको रिकॉर्डिंग करनी है, आपको रेडियो पे जाना है, तो बहुत इश्यूज हो सकते हैं। बट भगवान की दया से इतना भी कुछ नहीं हुआ है कि मतलब डिजास्टर हो गया, यू नो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम जैसे मीडिया के आकर्षण रखने वाले बच्चे जो अब सलाम बॉम्बे से जुड़े हैं, और अगर उन्हें रेडियो जॉकी इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना हो, तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? आज ना उन्नति, गेम थोड़ा बदल गया है। मुझे से लगता है आपको सोशल मीडिया पे जितना धमाल कर सकते हो, जितना आप मजे ले सकते हो, उस बेसिस पे इनफैक्ट बहुत लोगों को आजकल जॉब और अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, क्योंकि वो इंटरनेट पे एक्टिव है। तो ये एक जरूर एक एरिया है जो आपको देखना चाहिए कि आप क्या क्या क्रिएट कर रहे हो। सारे कंटेंट क्रिएटर्स को फिल्में मिल रही, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी नौटंकी के इतने वीडियोस बनाए हैं कि किसी को तो लगा ही होगा कि भैया ये बहुत मजेदार है, इसको मेरी पिक्चर बनाना चाहिए। तो यही बात, आप जितना खुल के अपने अंदर की आवाज को ढूंढना रखोगे, उसको लकीली टचूर, आज मार्केटिंग की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया ही आपका मार्केटिंग टूल है। उस पर आप जितना आप अपने आप को एक्सपोज कर सकते हो करो, और अपना हुनर दिखाओ, और वो कदरदान कभी ना कभी आएंगे। और जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस मुझसे कहता है कि अगर आपके अंदर वो हुनर है और आपने कुछ कंटेंट ऑलरेडी ऑनलाइन रखा है, तो जब आप एक रेडियो स्टेशन में जाओगे खुद से चल के कि मुझे यहाँ पे कार्यजीन करनी है, फिर जब वो उनका स्लॉट एम्प्टी हो जाएगा तो वो जरूर आपको याद आएगा।
और ऑफ कोर्स सुनते रहो साइड बाय साइड, जितना रेडियो सुनोगे आपके लिए उतना कम होगा कि वो कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं, वो क्या टूल्स यूज कर रहे हैं, वो अच्छा उन्होंने प्रेजेंटेशन का नाम लेने से पहले इतना क्यों बोला, वो उस पर आप ध्यान देके थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जोर लगाइए, तो वो मेहनत जब तक करते रहोगे तब तक वो निखार धीरे धीरे आएगा। अर्चना दीदी, जैसे कि मैंने बोला कि आपकी स्टोरी सुनने के बाद मुझे भी इच्छा है कि मैं भी रेडियो जो कि मैं काम करूं, तो क्या आप मुझे गाइड करने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना पसंद करेंगी? ऑफ कोर्स, वेरी हैप्पी। आई नो कि सलाम बॉम्बे बहुत अच्छे से करते हैं एंड मैं इनफैक्ट सलाम बॉम्बे की सीरियसली बहुत बड़ी फैन इसलिए भी हूँ क्योंकि वो शिद्दत के साथ लोगों को सेट करना चाहते हैं, तो आई वुड लव टू टेक यू एज माय। आज आपने आपके इतने बिजी शेड्यूल से हमें टाइम दिया और हमारे साथ बात की, हमें बहुत नॉलेज मिला आपसे। थैंक यू।